सत्यम बुनकर ने किया रामपुर बघेलान का नाम रोशन। सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर बघेलान में पढ़ने वाला यह छात्र सत्यम बुनकर पिता उमेश बुनकर कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 94.8% अंक प्राप्त कर अपने गांव स्कूल का नाम रोशन किया। माता सुशील बुनकर अति उत्साहित नजर आई। सत्यम बुनकर ने सारा श्रेय अपने माता पिता और गुरुजन समुदाय को दिया। उसने कहा, ईश्वर से प्रार्थना है कि इनकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। आगे लड़का बायोलॉजी लेकर डॉक्टर बनना चाहता है। कहता है, प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। इनके माता पिता गुरुजन समुदाय ने उज्जवल भविष्य की कामना की। सुधाकर त्रिपाठी, उद्घोषम है पत्रिका। जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, ये आपके बालक है? कौन सी क्लास में थे ये? अच्छा, कितने अंक ले आए हैं दसवीं में? 473। अच्छा, 500 में 473, यानी कि 94.8 कुछ पॉइंट, 8 पॉइंट। उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और जो भी मेरा सहयोग बन पाएगा पिता के नाते, उसको अपने दायित्व का निर्वहन करूँगा, कोशिश करूँगा कि आगे तक जाए। देखिए, क्या है कि आज के समय पढ़ाई इतनी बिगड़ हो चुकी है और खासकर इतनी महंगाई हो चुकी है, तो इसको आप जब तक गहराई से सहयोग नहीं दे तो बच्चा आगे बढ़ने बहुत परेशानियाँ होती हैं। जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा जितना भी हमसे बन सकेगा मिलते और उनको आगे तक ले जाऊँ और उनका पूरा सहयोग करूँ और ये देश का नाम, समाज का नाम, परिवार का नाम। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक पिता जो है अपनी पूरी गाड़ियों से निभा रहे हैं और बच्चे के लिए आशीर्वाद भी दे रहे हैं। मैं संवाददाता सुधाकर त्रिपाठी, रामपुर बघेलान। क्या नाम बेटा तुम्हारा? सत्यम। कौन से स्कूल पढ़ते हो? सरस्वती शिशु मंदिर रामपुर। अच्छा, कितने शिक्षक तुमको दसवीं पढ़ाते? 6 शिक्षक। मैडम भी थी? मैडम जी, एक मैडम। अच्छा, कितना परसेंटेज आपका आया है? मेरा 94.8। 94.8 कौन सी क्लास में? कक्षा 10। इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा सब्जेक्ट है? संस्कृत। फिर दूसरा नंबर? मैथ। फिर तीसरा नंबर? साइंस। ये बताओ कि पढ़ने की प्रक्रिया तुम्हारी सुबह उठते थे? जी, पेपर टाइम उठता था सुबह। और पेपर के पहले? पेपर के पहले हाँ, तो कभी कभी उठ जाता। तुम्हारे माता पिता भी योगदान देते थे पढ़ाई में? जी, बहुत मोटिवेट करते। क्या क्या बोलते कहते सुबह उठाने में क्या तुमको सहयोग में? कहते थे सुबह उठा करो, पूरे पेपर चल रहे हैं, अच्छे से याद होगा सब। अच्छा, ये बताओ कि तुम इतने हाईएस्ट नंबर ले आए, इसमें योगदान तुम अपने शिशुओं को देते हो कि माता पिता? जी, मैं दोनों को देखना चाहते हैं। तुम्हारे तो प्रथम स्थान तो माता पिता का, फिर दूसरा स्थान गुरु जी का है, तो बहुत अच्छा दोनों का स्थान देते हो। आगे भाई से तुमको आगे क्या करने के लिए तुम्हारा मन है? ये मतलब 11वीं से आप बायो लेना चाहते हो, है ना? तो एक डॉक्टर की रास्ते में आप जाना चाहते हो?